हेलो बच्चों, मैं हूं आलोक चौबे, आप सभी का दोस्त, होस्ट और फिजिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का फन टू एक्सपेरिमेंट की दुनिया में। हेलो, मैं हूं डोरा। हेलो डोरा। हेलो सर। तो बच्चा लोग, मैं आ चुका हूं, आपकी दोस्त डोरा भी आ चुकी है और आज हम लोग मिलकर एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जहां पर हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रिकल स्विच। यानी आज के एक्सपेरिमेंट का टॉपिक होने वाला है टू कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रिकल स्विच। सर सर, ये इलेक्ट्रिकल स्विच क्यों होता है? अरे डोरा, बहुत सिंपल है बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि हमें जब जरूरत होती है फैन चलाने की, तब हम फैन ऑन कर लेते हैं और ऑफ कर लेते हैं। जब हमें जरूरत होती है इलेक्ट्रिक बल्ब की, तब हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बल्ब को ऑन करते हैं एंड ऑफ करते हैं। ये सारी चीजें आप सभी लोगों ने की हैं और डोरा बेटा, तुमने भी किया होगा। हाँ सर, किया है ना, पर डर भी लगता है स्विच से। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल स्विच आप सभी लोगों ने अपने घर में देखे होंगे और उसका यूज भी किया होगा, और आज हम उसी इलेक्ट्रिकल स्विच को यहां पर बनाकर देखेंगे, जिसको बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए या कुछ एपरेटस चाहिए, जैसे कि थंब पिन, पेपर क्लिप। ये आपको मिलेगा फन टू एक्सपेरिमेंट किट में। इसके अलावा भी कुछ चीजें चाहिए, जैसे बैटरी जो कि पावर सप्लाई करेगा, हमें चाहिए वायर्स, एलिगेटर वायर्स, फिर हमें चाहिए बल्ब और बल्ब होल्डर। ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी इनोवेशन किट में, जो कि आप लोगों के पास होगी। अब इन सारी चीजों से हम एक प्रॉपर सर्किट बनाएंगे और हम दिखाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल स्विच काम करता है। अब सर्किट दिखाने से पहले आपको हम ये दिखा देते हैं कि पेपर पर वो कैसा दिखाई देता है, फिर वो हम बनाएंगे प्रैक्टिकली यहां पर। तो देखिए, हमारे पास बैटरी होगी। बच्चों, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। हमारे पास ये दो क्या है बच्चों? पेपर क्लिप है, ये रही पेपर क्लिप एक, और ये रही दो थंब पिन। अब हम क्या करेंगे, एक थंब पिन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और उससे हम एक पेपर क्लिप को भी जोड़ देंगे। फिर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस बल्ब होल्डर के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। बल्ब होल्डर में हमने बल्ब को फिट किया है, बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल को हम दूसरी थंब पिन से कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि गैप है, यानी ये जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, ये अधूरा है, ये ब्रेक है। अब इसका ही एक दूसरा डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा ध्यान से। ये देखिए बच्चों, बैटरी का सिंबल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव वाले को हमने बल्ब के पॉजिटिव वाले से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव वाले टर्मिनल को हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया है। पर यहां पर जरा ध्यान से देखिए, इनके बीच में गैप है, यानी सर्किट ब्रेक है, और इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। तो ये तो बात हो गई हमारे पेपर डायग्राम की, अब हम सच में ही इसको बनाकर देखते हैं। सर, पर मैंने तो सेल का भी सुना है, तो क्या हम बैटरी की जगह सेल यूज कर सकते हैं? अरे हाँ हाँ डोरा, हम बैटरी की जगह सेल का भी यूज कर सकते हैं। बच्चों, आपको तो पता ही है, जो सेल है उसकी पावर थोड़ी कम होती है और बैटरी की पावर ज्यादा होती है, क्योंकि जो बैटरी होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स से मिलकर बनी होती है। यानी हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में मिला दे तो उसी को तो बैटरी कहा जाता है। जब ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम बैटरी का यूज करते हैं, और जब कम पावर चाहिए तो सेल का यूज करते हैं। अब चलिए फटाफट इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। इस इनोवेशन किट में से मैं कुछ चीजें निकाल लेता हूं जो कि हमें चाहिए, जैसे हमें चाहिए बैटरी, हमें चाहिए बल्ब होल्डर, हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब, और हमें चाहिए तीन एलिगेटर वायर्स। तो ये हो गया एक वायर, ये दो वायर, और ये हमारे तीन वायर्स आ गए हैं। अब चलिए हम इस पूरे एपरेटस से, पूरे मटेरियल से एक इलेक्ट्रिकल स्विच बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के लिए सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखिए हमारा डायग्राम था, हमने क्या किया था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया। अब बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, तो देखिए जरा ध्यान से बच्चों, बल्ब, ये जो मेटेलिक पार्ट दिख रहा है येलो कलर का, ये बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और नीचे जो ब्लैक कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है।
और जब हम इस इलेक्ट्रिकल स्विच में इस बल्ब को फिट करेंगे तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नीचे वाले पार्ट से जाके कनेक्ट होगा। चलिए इसको हम इसमें फिट कर देते हैं। ये बच्चों हमारा बल्ब इस बल्ब होल्डर में फिट हो गया है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है, आप देख सकते हैं बल्ब का, और नेगेटिव टर्मिनल यहां से जुड़ा, यानी ये वाला हमारा बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको हम यहां पर रख देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। हम एलिगेटर वायर्स लेते हैं और यहां पर देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम इस बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद बच्चों हम नेगेटिव टर्मिनल को, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं थंब पिन से। यहां पर ये देखिए हमने दोनों थंब पिन निकाल लिया है। ये हमारा पेपर क्लिप है, इस पेपर क्लिप में से हम इस थंब पिन को लगाएंगे और यहां पर फिट कर देंगे ताकि ये मूव कर सके, और इसी वाले एंड पर हम इसको भी कनेक्ट कर देंगे इस एलिगेटर वायर को। यहां पर हम दूसरा थंब पिन लगाएंगे और एक वायर लेंगे जिसको हम इस होल्डर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरे एंड को इस थंब पिन से हम कनेक्ट कर देंगे कुछ ऐसे। तो देखिए बच्चों हमारा जो सर्किट है वो बन गया है, आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा सर्किट बना है, पर यहां पर वायर्स के बीच में कनेक्शन नहीं है। देखिए सर्किट ब्रेक है, ये थंब पिन इस पेपर क्लिप के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अब जैसे ही मैं इस पेपर क्लिप को इसके कांटेक्ट में लेके आऊंगा, आप देख रहे हैं बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो होने लगा और अब बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। वापस से कनेक्शन ब्रेक हो गया, सर्किट टूट गया, करंट फ्लो होना बंद हुआ और बल्ब ग्लो होना भी बंद हो गया। वापस हम देखते हैं, ये देखिए बल्ब ग्लो होने लगा, यानी अभी बच्चों इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो स्विच है ये ऑन की कंडीशन में है। ये हमने स्विच को ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया एंड ऑफ कर दिया, जो कि हम अपने घरों में डेली यूज करते हैं। तो ये है बच्चों एक इलेक्ट्रिकल स्विच जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सर जो आप ये वायर यूज कर रहे हो इसका कलर रेड क्यों है, पिंक, ग्रीन, ये भी तो हो सकता था। अरे नहीं नहीं डोरा, वायर सिर्फ रेड कलर के नहीं होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, बहुत सारे कलर्स के होते हैं। क्यों बच्चों, आप लोगों ने भी तो देखा ही होगा। और वैसे भी ये जो रेड कलर दिखाई दे रहा है ये तो सिर्फ प्लास्टिक की कवरिंग है, वायर तो इसके अंदर है जो कि बना होता है कॉपर का या एल्यूमिनियम का, या हम कह सकते हैं वो मेटेलिक नेचर का होता है। सर पर कवर क्यों करना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन डोरा। बच्चों हो सकता है आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कवर क्यों करना है। अरे अगर हम कवर नहीं करेंगे तो इसके अंदर जो मेटेलिक वायर है जो कि कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, अब कभी हम लोग गलती से उस वायर के कांटेक्ट में आ गए तो हमें करंट लग सकता है, इसीलिए हम उस कंडक्टिंग वायर के ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि प्लास्टिक होता है उसकी कवरिंग कर देते हैं, जिससे कि अगर हम उसे टच भी कर लें तो हमें करंट नहीं लगेगा। आई होप आपको और डोरा को भी समझ में आ गया होगा। ओह अच्छा सर, लेकिन सर एक और क्वेश्चन है, जो कंडक्टर होता है, जो इंसुलेटर होता है वो क्या होता है? अरे डोरा इतनी सिंपल चीजें भी तुमको नहीं पता, ये तो प्यारे बच्चों को भी पता होंगे। कंडक्टर यानी ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से आसानी से करंट को फ्लो होने देते हैं, और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं। अब कंडक्टर के एग्जाम्पल मैं बता देता हूं और इंसुलेटर के एग्जाम्पल डोरा से पूछ लेंगे। तो कंडक्टर जैसे कि मेटल्स, जैसे कि सॉल्ट, वाटर, ये क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। अब डोरा इंसुलेटर की एग्जांपल तुम बता दो। हाँ सर मुझे पता है, इंसुलेटर के एग्जांपल होते हैं वुड,
और प्लास्टिक, यही याद आ रहा है बस। बहुत बढ़िया डोरा। तो डोरा ने इंसुलेटर के एग्जांपल बता दिए, और बच्चों आपको ये सारा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा कि एक इलेक्ट्रिक स्विच का क्या इंपॉर्टेंस होता है और हम उसे कैसे बनाते हैं। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का लर्निंग आउटकम क्या निकला? तो पूरे एक्सपेरिमेंट का लर्निंग आउटकम ये निकला बच्चों कि सर्किट में करंट तभी फ्लो होता है जब वो कंप्लीट हो, यानी एक ब्रेक्ड या एक नॉन कंप्लीट सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और टाटा, बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बाय डोरा।